अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी जीएम अगेन, एक ब्रांड न्यू वीडियो में सभी को वेलकम। काफी सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे और कुछ ने तो मैसेजेस और डीएम भी करा हुआ था, क्या जीएम भाई फ्री फायर बैन होने वाली है पाकिस्तान के अंदर? पीसी में भाई आजकल गेम नहीं लग रही, पीसी के साथ ग्रीना का क्या मसला है? आजकल बिल्कुल भी गेम नहीं लग रही, आप बीआर रैंक खेल रहे हैं या बैटल रॉयल खेल रहे हैं? ये सवाल और बहुत से और सवाल इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रिप्लाई करने वाला हूँ, सो एंड तक देखिएगा, कोई पार्ट मिस मत करिएगा। बाकी ये वाला गेम भी एंड लेवल गया है और ये बीआर रैंक का मैच बैटर वेल सिंपल का नहीं है। बिल्कुल अभी से सब्सक्राइब कर दो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो टिकटॉक पे देख रहे हो तो लाइक एंड रिपोस्ट कर दो। बाकी आप लोगों को साथ साथ मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, एंड तक देखना है, मजा आएगा। अच्छा, सबसे पहली अपडेट तो ये चेक करो भाई, वो जो बर्फ के गोले पड़े होते थे वो अब यहाँ से हटा दिए गए। अब यहाँ से आप लोगों को की चाहिए होगी इनको अनलॉक करने के लिए, एडिशनल अब की से खुलेगा, वो जो बर्फ वाली अपडेट थी वो खत्म हो गई है। ओके, पीछे की साइड से यहाँ पे एक बंदा है, सबसे पहले इसको पकड़ते हैं। भाई गंदा डैमेज दिया, ऊपर की साइड एक हो रहा है, चलो जी अच्छा शॉट। और यहाँ पे एक बंदा हम लोगों ने नॉक कर लिया है, मेडिकेट वगैरह मार लेते हैं, टोटल एक मेडिकेट थी। और सामने की साइड से एक और ब्लैक टी शर्ट यहाँ पे रश के लिए आ रही है, अच्छा डैमेज पड़ा है। यहाँ पे मेडिकेट थी नहीं, एक इनहेलर था, वो हम लोगों ने लगा लिया ताकि अगर बंदा रश करने के लिए आए तो थोड़ी सी एचपी हो, जिस थोड़ी सी एचपी में हम लोग इसको आसानी से ले जा सकें। दो तीन शॉट पड़े और ये बंदा भाग रहा था, मेरे पास लूट वगैरह नहीं थी, वेस्ट वगैरह फटी हुई थी, तो मैंने कहा पहले लूट वगैरह कर लेते हैं इसके बाद रश करेंगे। हो गया, इस साइड के ऊपर एक बंदा है, इसको पकड़ते हैं, अच्छा शॉट। और यहाँ पे नौ के भाई, इसके साथ हम लोगों के दो किल डन हो चुके हैं। पीक की साइड एक बंदे ने डैमेज छोड़ी है और जब तक ये डैमेज छोड़ के वापस नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं, और इसका किल नहीं छोड़ना किसी भी सूरत में, इसका किल लेना है भाई। ओके, डैमी लेके आया था और समूथ को भाई यहाँ पे हम लोगों ने प्रोफिल के अच्छे डैमेज कराया और इसके साथ दूसरा तीसरा किल भी मिल चुके हैं। आप थोड़ी सी बात करते हैं भाई, गेम नहीं लग रही पीसी के अंदर, बीआर रैंक इसका क्या सीन है, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो भाई, मैं जितनी भी गेम यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ बिल्कुल सारी की सारी बीआर रैंक की है, कोई भी बैटर वेल वाला का सीन नहीं है, पीसी के अंदर गेम नहीं लग रही, मैंने खुद भी नोटिस करा है। लेकिन भाई थोड़ा सा टाइम लगता है एक्स्ट्रा, आप लोग कैंसिल कर देते होंगे, थोड़ा सा टाइम ले रही है गेम, कम से कम 3 से 4 मिनट इसके बाद भाई गेम स्टार्ट हो रही है। बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि 4 मिनट आप लोग वेट करो और उतरते साथ मर जाओ तो 1 मिनट से पहले फिर मूड ऑफ हो जाता है। तो ग्रीना को चाहिए, अगर ये तो कोई इश्यू है तो फिर फिक्स कर दे। अगर ग्रीना ये अपडेट ले कि आ रही है कि पीसी प्लेयर्स भाई आपसे गेम नहीं खेल सकेंगे फ्री फायर, उनकी मैच मेकिंग मोबाइल प्लेयर के साथ नहीं होगी, जो कि सुनने में आ रहा है कि इनकी जो गेम है ना मैच मेकिंग वो मोबाइल प्लेयर के साथ नहीं होगी। अगर लॉबी के अंदर 50 पीसी प्लेयर होंगे तभी भाई पीसी प्लेयर की मैच मेकिंग होगी और इनका मैच लगेगा। ये बहुत बुरी अपडेट है अगर तो ये पाकिस्तान सर्वर में आती है। ग्रीना के ऑनर्स देख रहे हैं तो ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस तरीके की कोई भी अपडेट लाए ना लाएं भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आप जो मोबाइल प्लेयर हैं वो चाहते हैं कि हमारा भी पीसी हो, जैसे उनके पास भाई अच्छा पैसा आता है, बजट बढ़ता है तो वो ये मोबाइल लेके अच्छे कॉन्टेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। बट अगर ऐसी अपडेट लाएंगे तो फिर बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। आर मोबाइल प्लेयर जो है ना वही चाह रहा होता है मोबाइल प्लेयर के मैं एक पीसी प्लेयर बनूं, वहाँ पे कंटेंट बनाने में आसानी होती है क्योंकि आप वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टूल्स को यूज़ करके आराम से भाई अपना कंटेंट बना सकते हो। और पीसी के अंदर गेम खेलना थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाए 4-5 मंथ का, उसके बाद आपकी गेम भी बहुत अच्छी हो जाती है अगर आपके पास अच्छा पीसी हो तो। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं भाई, मिनटों के अंदर भाई कंटेंट बनाने में जो घंटे लगते हैं ना वो काम मिनटों में हो जाता है। इस वजह से भाई पीसी लेना काफ़ी अच्छा रहता है एक कंटेंट क्रिएटर के लिए और उसके अंदर गेम खेलना और कंटेंट बनाना। तो ये अपडेट भाई बहुत बुरी होने वाली है अगर तो आ रही है। ग्रीना वालों से रिक्वेस्ट है काइंडली इस तरीके की कोई भी अपडेट ना लाए। इंडिया सर्वर में पहले देखने को मिला कि भाई पीसी प्लेयर की मैच मेकिंग नहीं हो रही, उसके बाद गेम भी उन्होंने बैन कर दी इंडिया में, वो एक अलग सीन है, उसके ऊपर पूरी वीडियो बन सकती है, वो किसी और दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपना मुद्दा ये है कि पाकिस्तान के अंदर भाई पीसी प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है अगर ये अपडेट आएगी तो। अब उन लोगों को रिप्लाई करते हैं भाई जो लोग बोल रहे थे जीएम भाई क्या गेम बैन होने वाली है। देखो, गेम बैन होने का कोई सीन नहीं है और ये जो पीसी प्लेयर की मैच मेकिंग वाला भी है ये भी अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं देखने को मिली, ना ही ग्रीना ने कोई ट्वीट करा है। ये गेम मैचिंग में बहुत टाइम लग रहा है लेकिन गेम अभी लग रही है पीसी प्लेयर की, हमने अभी भी दिन में भी खेले हैं, कल भी खेले हैं, परसों भी, लेकिन टाइम बहुत लग रहा है। अगेन 3 या 4 मिनट लगते हैं, या तो फिर नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी मैच मेकिंग में टाइम हो गया थोड़ा ज़्यादा कुछ इस तरीके का, या फिर गेम लग जाती है, लेकिन गेम अभी लग रही है। मैं खुद खेल रहा हूँ बीआर रैंक,
पिछले एक वीक से ये मसला आ रहा है। अगर तो गरीना वालों ये वीडियो देख रहे हो, काइंडली इस इशू को सॉल्व कर दो। अगर ये इशू है, अगर ये अपडेट आ रही है, तो काइंडली अनाउंस कर दीजिएगा इसको। तो यहाँ पे एक और बंदा था गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने पांचवा किल भी डन कर लिया है। आई होप कि समझ आ गई होगी भाई, गेम कोई बैन नहीं होने वाली। पीसी प्लेयर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कतें आने वाली हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीसी प्लेयर की मैच मेकिंग नहीं होने वाली अब से अपडेट के बाद, लेकिन इतना बता दो कि अभी इसकी जो मैच मेकिंग है ना, वो हो रही है। अपडेट के बाद का सीन पता नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन बी आर रैंक मैच स्टार्ट हो रहा है। ये गेम के अंदर गए हम लोगों ने 5 किल कर लिए थे, 23 बंदे अलाइव थे, और पीक की और फैक्ट्री की छत के ऊपर जो बंदे थे जो कैंप करते हैं वो इस गेम के अंदर बहुत थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग करा है, इनकी वजह से भाई ना तो किल्स मिलते हैं, छुप के बैठ जाते हैं, बंदा नीचे से एम लेके मार नहीं सकता। और इस गेम में आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, ये मेरे साथ अल्ट्रा प्रो के अलावा हम लोग जितने भी खेल रहे हैं सब पीसी प्लेयर हैं, यानी कि 3 हम लोग पीसी प्लेयर हैं, अल्ट्रा प्रो सिर्फ मोबाइल प्लेयर हैं। तगड़ा सर्वाइवर हैं भाई, तगड़े एंड लेवल सर्वाइव करते हैं। ओके, ऊपर की साइड गए एक और बंदा है, इसको पकड़ते हैं। अल्ट्रा प्रो की बात तो चलती ही रहती है, अक्सर वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा भाई, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, बहुत तगड़ा सरवाइव करते हैं। ओके, यहाँ पे एक और बंदा था जिसका भाई हम लोगों ने किल कंफर्म कर लिया, तो इसके साथ 6 यहाँ पे डन हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बंदा था जो कि काफी टाइम तक भाई पत्थर के पीछे छुप के बैठा रहा है, हम लोगों को जोन में जाके मारना पड़ा है। ये ले भाई चकमा देख किस तरीके से दिया है, अच्छा हेडशॉट। और इसको लगा कि शायद हम लोग ग्लूअल के पास हैं, तो इस बंदे ने वहां पे वन टैप हेडशॉट मारने की ट्राई करी, लेकिन हम लोग तो ग्लूअल के पास थे ही नहीं। इसलिए बोलते हैं जीएम का आईक्यू जब यूज हो रहा हो तो अपना आईक्यू नहीं लगाया करो, क्योंकि मरना तो आप लोगों ने वैसे भी होता है। हाँ, ये अच्छी बात है कि आप लोग ट्राई जरूर करते हैं, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आता है जब इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। ऑल इज वेल, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप लोग हजारों दफा ट्राई करते हो ऑल इज वेल, तो भाई बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छा चांसेस होने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, यहाँ पे एक बंदा है जिसको लकी गेमिंग को अच्छा हेडशॉट लगे प्रोफाइल के, और 8 के लिए यहाँ पे डन हो चुके हैं। अभी भी 17 बंदे अलाइव हैं, और बुइया भाई किसी भी सूरत मिस नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर हम लोग 3 प्लेयर होते हो पीसी ओहो, यहाँ पे एक और किल मिल चुका है, तो 9 भाई यहाँ पे डन हो चुके हैं, और अभी भी 11 बंदे अलाइव हैं, और वो मुझे लग रहा था क्लॉक टावर में जोन की साइड है। हमारे अलावा गाइस यहाँ पे टोटल 3 बंदे अलाइव थे और अब 2 रह गए हैं। ये रहा सामने की साइड, अच्छा शॉट। ओए, बंदे ने बहुत लॉजी, उसको तो नॉक कर दिया था, बट दूसरे बंदे ने बहुत गंदे वाला डैमेज कराया था। यहाँ पे दोनों पीसी प्लेयर बचे हुए थे, और उन लोगों ने भाई अपने टीममेट्स को रिवाइव करा दिया था। ये चेक करो भाई किस तरीके से ये बंदे गेम खेलते हैं, अच्छा गेम खेला है। यहाँ पे विजर्ड प्रो ने भी 5 किल निकाले हुए थे, और दूसरे भाई भी ने तकरीबन यहाँ पे 7 या 8 किल निकाले थे। आप चेक करो ये बंदे भुया दिलाते हैं कि नहीं। ओए, क्या हेडशॉट मारे हैं भाई, गया। प्लेयर नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं, लास्ट ही प्लेयर बचा है, 1v2 है, 9 किल है इनके पास, विलन के पास है 9 किल गाइस। ओए, विलन को नॉक करा है, और यहाँ पे एक ही गोली 7 किल करे हैं भाई टीममेट एक और ने, 9-7 और अपने मिला लें 10, तो ये तकरीबन 26 ही हो गए। अल्ट्रा प्रो ने 2-3 कर रहे थे, तकरीबन 30+ ही हो गए होंगे। तो लाइक एंड रिपोस्ट मार देना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।